अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? सब खैरियत से है? आज मैं आपके लिए फ़िश फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ। फ़िश को पहले मैंने बहुत अच्छी तरह धो लिया, आटा लगा कर। आटा लगाने के लिए हमारी अम्मी दादियों का टोटका है, ये बहुत अच्छा है, वहीं से सीखा है आटा लगा कर धोना चाहिए। तो हम इसको पहले मैरिनेट कर लेते हैं। तो फ़िश 4 किलो के करीब थी, तो इसमें मैंने 1 पैकेट मसाला शान का फिश मसाला डाला है। और इसके साथ, इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर कर अच्छी तरह, क्योंकि फ़िश ज़्यादा है तो मसाले भी ज़्यादा लगेंगे। ये तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जिस तरह फ़िश कम हो तो आप उस हिसाब से मसालों को भी कम कर लें। 1 हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर और थोड़ी सी अजवाइन चुटकी, और 1/2 टी स्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया डाल दिया। और ये 4 से 5 टेबलस्पून लेमन के, फ्रेश लेमन, आप सिरका भी शामिल कर सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे लेमन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन सारे मसालों को हमने तकरीबन अच्छी तरह मिक्स इन बोटियों के ऊपर लगा लिया है पीसीस पे, और हम मैंने इसको पूरी रात के लिए मैरिनेट कर दिया है। वैसे तो 2 घंटे की मैरिनेशन के बहुत होते हैं, 2 से 3 घंटे, लेकिन जब टाइम ज़्यादा है तो। और इस तरह ये भी होता है कि आप इसको मैरिनेट करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जितनी आपका दिल करे आप 2 पीस 3 पीस निकालें और आप फ्राई कर लें, क्योंकि मसाला अच्छी तरह लग जाता है। ये देखिए, फ़िश को मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसके साथ ही मैं चिकन विंग्स भी बनाने लगी हूँ। तो चिकन विंग्स की रेसिपी तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। इसको पहले सिरका और पानी लगाकर इसको पहले हमने डीप रख देना, इसको 20 से 25 मिनट चिकन को धोने के लिए। फिर हमें इसको अच्छी तरह वाश करना है। ये देखिए, विंग्स को मैंने बहुत अच्छी तरह वाश किया है, बिल्कुल भी इसमें कोई ब्लड और कोई चीज़ नहीं है। तो पहले मैंने जो रेसिपी शेयर की हुई आपके साथ वो खुले मसालों की थी, इस पर मैंने कनोर का क्रिस्पी फ्राइड चिकन इस्तेमाल किया। जी, मेरी सिस्टर ने बताया कि ये भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस के, 3 से 4 टेबलस्पून लेमन, फ्रेश लेमन, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 1/2 टीस्पून, 1 1/2 टेबलस्पून इसमें शामिल किया, फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स मसाला है। ये मैंने 1/2 पैकेट इसमें इस्तेमाल किया है। विंग्स जो थे 2 kg के करीब थे, 2 kg थे ऑलमोस्ट, तो ये मैंने 1/2 पैकेट इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मसाला अगर मैंने इस्तेमाल किया तो फिर मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि मुझे नमक बिल्कुल ठीक लगा था, तो थोड़ी सी ऊपर से मैंने स्पाइसेस डाले थे, क्योंकि बिल्कुल फीके विंग्स मुझे पसंद नहीं है। और ये देखें, अब मैंने इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर इसमें शामिल कर दी मैंने, और अब हमने इस सारे जो था मिक्सचर को हमने विंग्स इसमें अच्छी तरह हमने मैरिनेट कर लेने। पहले वाले मसाले के भी बहुत अच्छे बनते हैं, खुले जो मसाले हम इस्तेमाल करते हैं उसका ज़रा अच्छा टेस्ट आता है, इसका भी अच्छा टेस्ट था, बहुत ज़्यादा पसंद किए गए थे। इन दोनों को मैं ओवरनाइट मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था कि, और विंग्स का भी यही है कि आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं ये मसाला मैरिनेट करके, और फिर आप उसको जब दिल करे निकाल लें। ये पूरी ओवरनाइट मैरिनेट करने के बाद जब मैंने फ्राई करनी थी, तो उससे 20 से 25 मिनट पहले मैंने 2 से 4 से 5 टेबल स्पून इस पर बेसन लगा दिया था,
फिश पे। हमें बेसन इसी तरह पसंद है कि ज़्यादा डीप वाला नहीं, मुझे फ़िश फ्राई में पसंद कोटिंग करके। और इधर मैंने उसको बेसन लगा के रख दिया और विंग्स मैंने करने लगी हूँ। विंग्स का जो मैंने बताया था, इसमें मैदा, कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर, ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक थोड़ा सा डाल के सबसे पहले हमने इसमें वो ये जो ड्राई हमारा मिक्सचर तैयार है उसमें हमने पहले एक बार विंग्स को वो लगा के फिर हमें ठंडे पानी में डिप करना है। डिप करके छोड़ नहीं देना, बस डिप करके निकाल के फ़ौरन हमने। और ये देखिए, ये जितने आपके इस तरह ये नज़र आ रहे हैं ये आपके असल में क्रम्स बन रहे हैं जो KFC स्टाइल के। इसी तरह एक और करके दिखा देती हूँ आपको। और मेरे हाथों वगैरह की बात ना कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, तबीयत भी मेरी कुछ ठीक नहीं है। तो मुझे पता है लोग बात करते हैं हाथ किस तरह है, आपने ग्लव्स नहीं पहने, ये नहीं किया, तो कोई इसमें कुछ नहीं होता। घर वालों हम हाथ धोकर हमने सादे तरीके से हमें नहीं नखरे आते। तो ये देखिए, ये क्रम्स बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह मैंने सारे विंग्स को लगा के रख दिया था। और मैं जिधर आई हूँ इधर अपने घर में, तो मुझे गैस का मसला नहीं, इधर गैस का बहुत मसला है। इतनी लोड शेडिंग है कि कुछ ना पूछे, 2 घंटे आती है सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम। और ये कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है। और विंग्स देखें रेडी हो गए हमारे, क्योंकि मैंने विंग्स की रेसिपी पहले डाली है तो इसलिए मैंने इसको पूरी तरह मैंने नहीं दिखाया इसको। मैंने आप मेरे चैनल पे जाके आप विंग्स की रेसिपी देख भी सकते हैं। और उसी कुकिंग ऑयल में मैंने फ़िश को फ्राई किया। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैंने ऑयल को ज़ाया नहीं किया, पहले उसमें विंग्स फ्राई किए थे और फ़िश बाद में किए, क्योंकि फ़िश अगर पहले कर लेती तो ऑयल में फ़िश की स्मेल आनी थी तो विंग्स में भी आ जानी थी। मेरी अम्मी को भी दुआओं में याद रखा करें प्लीज़, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो बीमार रहती हैं। तो आप सब प्लीज़ उनको दुआओं में याद रखिएगा कि उनको अल्लाह मियाँ सेहत और शफा दे। तो ये देखें हमारी फ़िश बहुत अच्छी फ्राई हो गई है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। अगर खाना दिल से बनाया जाए और खाने वाले उसकी तारीफ़ करते तो बनाने वाला का दिल खुश हो जाता है, उसकी भूख ही मर जाती है, उसका दिल ही नहीं करता खाने को, कि सबको शुक्र है पसंद आ गई है। तो ये फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और विंग्स भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बताया करें, मुझे हौसला मिलता है आप लोगों से कि मैं आपके लिए और वीडियो शेयर किया करूँगी। अल्लाह हाफिज़।